नमस्कार साथियों, देखिए आपने आज अपनी ताकत, बस इसी ताकत को पहचानने की जरूरत थी। देखा आपने आज ये जो डिजिटल कैंपेन चला उसके कारण हलचल दिखाई पड़ी। ये तो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस की बात है। मध्य प्रदेश के हमारे जो भी साथी 4 सितंबर को जाने के लिए तैयार है, ऐसा वहां पर भी होगा। ऐसे साथी जो कि एमपी पुलिस, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो एकजुट होंगे, वो एक साथ होंगे, तो कुछ एमपी में भी ऐसा ही होगा। आज आपने समझ लिया होगा कि एक युवा में, एक छात्र में क्या ताकत होती है। बिल्कुल यही चीज आपको 4 सितंबर को करनी है। आपको केवल एमपी पुलिस की मांग नहीं उठानी है, कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आई, आपको हर वैकेंसी की मांग उठानी है। आपको जो भी साथी हमारे इंदौर में रहते हैं, आपको एमपीपीएससी की मांग उठानी है। एमपीपीएससी 2012 एमपीपीएससी जो हुआ था, उसका रिजल्ट जाके 2014-15 में फाइनल रिजल्ट आया है। 2014 का प्रीलिम्स एग्जाम, 2014 का जो पेपर है वो 2015 में हुआ। फिर 2015-16-17 अच्छा चला, 2018 तक भी अच्छा चला, 2019 में कोई वैकेंसी नहीं, 2020 में कैसे भी करके 2019 की एमपीपीएससी की वैकेंसी आई। 19 का जो एग्जाम है वो जनवरी 2020 में हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। प्रीलिम्स एग्जाम का, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। आरक्षण का मामला अटका हुआ है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। आरक्षण का ये जो मुद्दा है, इसे शॉर्ट आउट करे सरकार, जल्द से जल्द सरकार इस पर अपना कदम उठाए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। कुछ भी करना हो, यदि ओबीसी आरक्षण 14% करना हो तो वो भी कर सकती है, 27% रखना हो तो वो भी कर सकती है। कुछ भी करे, कैसे भी हालत में रिजल्ट आना चाहिए। आपको कहना होगा कि आप छात्रों के भविष्य के आड़े में राजनीति को मत लाओ। राजनीति नहीं आने चाहिए छात्रों के भविष्य के आड़े में। आपको तो सिर्फ राजनीति दिखती है, आपको तो सिर्फ अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन छात्रों का भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ होता है। आपको ना केवल एमपी पुलिस 4 सितंबर को, ना केवल एमपी पुलिस, ना केवल एमपीएसआई, ना केवल संविदा भर्ती, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, बल्कि आपको एमपी के सारे एग्जाम के लिए आपको बैठना होगा। आपको एक साथ आना पड़ेगा और आज देख लीजिए आप अपनी ताकत। अगर आप डर रहे हो कि आपको कोई बैठने नहीं देगा, आपके साथ वहां पर गलत व्यवहार किया जाएगा, करने दीजिए गलत व्यवहार। अभी भी तो आपके साथ गलत ही हो रहा है, वहां पर जाके और गलत होगा, करने दीजिए गलत व्यवहार। एक बार आप बैठिए तो सही। केवल भोपाल में नहीं, जो साथी हमारे भोपाल नहीं जा सकते, इंदौर जा सकते हैं, आप इंदौर में बैठिए, आप इंदौर में धरना दीजिए और इंदौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए एमपीपीएससी की वैकेंसी के लिए वहां पर आप अपना जो सरकार की जो भी आपकी मांग है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे भोपाल जो भी छात्र जा रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में, मेरा अनुमान है, अब मेरा यह विश्वास है कि हमारे जो भी छात्र जाना चाहते हैं 4 सितंबर को भोपाल, वो जरूर जाएंगे। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर कितनी संख्या में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं की शक्ति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी शक्ति नहीं, कोई हिंसात्मक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है आपको, किसी भी हिंसा का उपयोग नहीं करना है आपको, अहिंसा का उपयोग करते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए आपको याद दिलाना है बस। एमपी के सारे एग्जाम्स के लिए वैकेंसी हर हालत में आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो भी एग्जाम आपके हो चुके हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करो। एमपीपीएससी के हमारे छात्रों से अनुरोध है मेरा कि आप बैठो, आप बोलो 2019 की वैकेंसी का जो भी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसका आप रिजल्ट डिक्लेयर करो। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मेंस कब होगा, मेंस नहीं आएगा तो अपनी अगली वैकेंसी कब आएगी 2020 की। तो आज जो आपने किया है इस मुहिम को शांत नहीं रखना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। एक दिन आप जरूर सफल होगे। आज आपने देखा, आज हलचल हुई, आप अपने ये जो कारवा है आपका ये रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। आप देखना 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप सब कुछ जो हम चाहते हैं वो सब होकर रहेगा, बस ये कारवा रुकना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के इस विशेष वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, हमारे जो मध्य प्रदेश के साथी हैं, आप थोड़ा सा अपने अंदर से डर भगाओ, अपने अंदर से ये डर भगाओ कि आप बैठोगे तो आपको कोई कुछ कहेगा, आपको वहां पर गलत अभद्र शब्दों का आपके लिए उपयोग किया जाएगा, आपको वहां से भगाया जाएगा। आप भूल जाओ, आप डरो मत। आज देखा आपने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आप बैठो, आप याद दिलाओ कि हाँ, हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, हम इतने सालों से बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। 4 सितंबर को भोपाल में अवधेश सर के साथ, चौहान सर के साथ, अन्य जो भी शिक्षक गण है उनके साथ आप उनका साथ जरूर दीजिएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध रहा है और
रहेगा, अभी भी है। अब 4 सितंबर को बस ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, आज 1 सितंबर खत्म हो गया, 2-3 और फिर आ जाएगा 4 सितंबर। 4 सितंबर को मैं देखना चाहती हूं कि हमारे युवाओं में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि वो भोपाल कितनी संख्या में पहुंचते हैं। आप अपनी शक्ति दिखाओ, आप अपना संगठन दिखाओ, आप अपनी एकता दिखाओ कि आपके अंदर कितनी एकता है, और सरकार को ये कहो कि अपनी राजनीति को हमारे भविष्य के आड़े ना आने दें, अपनी राजनीति के लिए हमारे भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। 4 सितंबर को जरूर पहुंचे, ये मेरा आपसे लास्ट कथन है, अंतिम कथन है मेरा। मैं 4 सितंबर को देखूंगी कि आखिर कितने लोग इस संगठन में हिस्सा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।